हेलो फ्रेंड्स, यही वीडियो रे आम देखा इंडियन पॉलिटी गोटे इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तार किसी भेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जहाँकि ओडिशा सिविल सर्विस ओएसएससी सीपीएससी एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलो तो स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, बेटर ऑडियो क्वालिटी दयाक इयरकॉड यूज कर। क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तार आंसर हो टू। तापरे क्वेश्चन नंबर टू, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो सेशन रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे डिमांड आसीथिला सेटा कोट होतला ना सेटा होतला लखनऊ रे। तो दुई नंबर आंसर हला सी लखनऊ। तापरे क्वेश्चन नंबर थ्री, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट अ डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जो डिसीजन सब निया जाए सेटा केमती निया जाए ना बाय कंसेंसस माने ओपिनियन द्वारा। तो तीन नंबर आंसर है सी। तापरे क्वेश्चन नंबर फोर, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द। तो यार आंसर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स, जब आपण मैंने आक्ट सब पढ़ी तो जानपारे यार आंसर हो सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तापर मैचिंग क्वेश्चन देखो जहाँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत एग्जाम आसे ओपीएससी ओ ट्रिपल एसएससी। तो देखा चलतु ये जो कमिटी सब अच्छी लेफ्ट साइड रे से सब कमिटर चेयरमैन किए। तो ड्राफ्टिंग कमिटर चेयरमैन किए थे ना बी आर आंबेडकर। तापर कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स तार जो चेयरमैन किए थे ना वल्लभ भाई पटेल। तापर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी तार चेयरमैन किए थे ना जवाहरलाल नेहरू। तापर वर्किंग कमिटी चेयरमैन थे कन्हैयालाल मुंशी। तो यार आंसर है डी। देखो आ गोटे मैचिंग क्वेश्चन, केबे कौन है। तो जुलाई 22, 1947 कौन है ना अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जुलाई 22, 1947 आम जातीय पताका अडॉप्शन करा जायतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे। तापरे जनवरी 24, 1950 कौन करा ना अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आम जातीय संगीत अडॉप्शन करा जायतिला। तापरे सी जनवरी 26, 1950 कौन करा ना अडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम बाय द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, एगुटा बहुत इंपोर्टेंट तो आपण मैंने मन रखु। तापरे डी मार्च 22, 1957 कौन करा ना अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट। तापरे क्वेश्चन नंबर सेवेन, द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन आम जातीय पताका डिजाइन केबे अडॉप्शन करा जायतिला ना जुलाई 1947 रे। तो सात नंबर रो आंसर हो सी जुलाई 1947। तापरे क्वेश्चन नंबर एट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आमर जो एक्ट सब थिला को एक्ट रे प्रथम थर पर इलेक्शन फर्स्ट टाइम इलेक्शन कथा इंट्रोड्यूस करा जायतिला। तो से एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो आठ नंबर आंसर है ए। तापरे क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रे फर्स्ट टाइम इंडियन मानक रिप्रेजेंट करागला को एक्ट द्वारा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हूँ बहुत इंपोर्टेंट एक्ट। तो यही एक्ट विषय में डिटेल्स स्टडी करूँ। तो आप जब कहे सब एक्ट नहीं गोटे डिटेल्स वीडियो भी बना जीव। तापरे क्वेश्चन नंबर टेन, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। तो क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निज हाथ केबे नहीं थे कोई एक्ट रे सरी नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यही एक्ट रे क्राउन जे से जो ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निज हाथ को नहीं थे। तापरे क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्टली विथ रिजर्वेशन इन द। तो कौटा से प्लान थिला ना सेटा थिला अगस्ट ऑफर।
तो क्वेश्चन नंबर 11 देखंतु यार आंसर होची बी अगस्त ऑफर अनुसार। तापरे क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आमर जो भारत सरकार मौर्य डायनेस्टी रु कौनटा अडॉप्शन करा जायतिला आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परे, तो सीटा हला ए फोर लायंस से जो एम्ब्लेम टा को। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम रे रिपीट भी होती आगर। तापरे क्वेश्चन नंबर 13 हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा को कहा जाए ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तो 13 नंबर आंसर है ए। तापरे क्वेश्चन नंबर 14 व्हेन डिड मिस्टर अटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियन। तो केबे से अनाउंस करले जो हमरो पावरटा को इंडियन इंडियंस को देले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो यार आंसर होची सी जून 1948 रे कंप्लीटली दे देले। तापरे क्वेश्चन नंबर 15 हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर हैला ए जवाहरलाल नेहरू। तापरे क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखते ये जो क्वेश्चन तापरे आंसर देखु ऑप्शन अच्छी इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एटा भूल केवल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नथिला। तापरे इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कम्प्लीटली नथिला, ये भी भूल। ऑप्शन सी इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, एटा ठीक। तो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन रु किछि किछि आसिकी हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गठन करा जायतिला। तापरे क्वेश्चन नंबर 17 मैच द फॉलोइंग। तो देखंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे कोनटा दर्शा जायतिला ना, देखंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एथिरे देखा दर्शायतिला दिराची जो डबल रूलिंग सिस्टम जो थिला डबल डुअल गवर्नमेंट सिस्टम सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे दर्शा जायतिला। तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहा जायतिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टार्ट हेतिला। तापरे मोरली मिंटो रिफॉर्म्स सेटा हला सेपरेट इलेक्ट्रेट, प्रथम थर पाई सेपरेट इलेक्ट्रेट दर्शा जायतिला। तापरे कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो प्रपोजल आसतिला। तो आंसर हला डी। तापरे क्वेश्चन नंबर 18 द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ द अमेंडमेंट सिस्टम अच्छे आम कॉन्स्टिट्यूशन ने सेटा कोर्ट आसतिला ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट रो विभिन्न एग्जाम रे आछी तो मन रखिबे। तापरे क्वेश्चन नंबर 19 द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन। तो देखंतु फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सब बहुत इंपोर्टेंट, आपण माने निजे भी बहुत एग्जाम रे क्वेश्चन देथिबे। तो देखंतु आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फर्स्ट सेशन कोठी हेतिला ना न्यू दिल्ली रे। तापरे क्वेश्चन नंबर 20 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चेयरमैन किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू। तापरे तो 20 नंबर आंसर हला सी। तापरे क्वेश्चन नंबर 21 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो एमानक भितरु कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर किए नथिले, तेर आंसर हला लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले, जेबी कृपालीन भी थिले, मुंशी भी थिले, केवल आंसर सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण से नथिले मेंबर। क्वेश्चन नंबर 22 हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। तो फ्रेंड्स एटा ओडिशा पुलिस रो कांस्टेबल एवं जूनियर क्लर्क बाकी प्राय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब एग्जाम रे क्वेश्चन आसे। तो आमर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू। तापरे क्वेश्चन नंबर 23 अंडर हुम एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टोबर 1947 बाय द एडवाइजर ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो यार आंसर हबो बी एन राव डी। तापरे व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो फंडामेंटल ड्यूटी अभी थ्रू कौटा, तो मुझे डायरेक्ट आंसर कहीदे सी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो।
एटा हला हमरो फंडामेंटल ड्यूटी। तापरे क्वेश्चन नंबर 25 द फर्स्ट एफर्ट आट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रेस्पॉन्स टू द साइमन कमिशन। तो फ्रेंड्स आपण माने पढ़ीथिबे साइमन कमिशन विषय रे, तो यार आंसर हला सी। क्वेश्चन नंबर 26 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रमुलगेटेड ऑन January 26, 1950 बिकॉज कारण यही जो दिनटा जनवरी 26 सेटा 1929 रु इंडिपेंडेंस डे भाबे सेलिब्रेट करा जाउथला, सेति पई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जनवरी 26 1950 रे गठित होला। तापरे क्वेश्चन नंबर 27 द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय टा कहा द्वारा प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आइडिया दिया जायथला ना, आंसर होला डी एम एन रॉय, एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, तो 28 नंबर आंसर होला ए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्टेड कराउथले। क्वेश्चन नंबर 29 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन July 1946, तो यार आंसर होला महात्मा गांधी से मेंबर नथिले। तापरे क्वेश्चन नंबर 30 इंडिया बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन January 26, 1950। क्वेश्चन नंबर 31 हुच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड इंडिया इंडियन लेजिस्लेचर बाय कैमरल, तो यहाँ देखूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1919 जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आक्ट, तो फ्रेंड्स ये आक्ट आपने भलसे देखीदेवे, तो 31 नंबर आंसर है बी ए आक्ट दर्शाई। तापर क्वेश्चन नंबर 32 द फर्स्ट अटेम्प्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट आट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय, तो यहाँ है इंडियन काउंसिल आक्ट 1909 इंडियन काउंसिल आक्ट 1909 द्वारा। तापर क्वेश्चन नंबर 33 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 वेस्टल द रिस्यूडरी पावर इन द गवर्नर जनरल, राइट, तार आंसर है डी 33 नंबर। तापर 34 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935, तो फ्रेंड्स ओडिशा सिविल सर्विस पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 बहुत इंपोर्टेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट रो 1935 रो एथरो कोटा इंपोर्टेंट फीचर नथिला कोनोसी भी फीचर नथिला, तार आंसर है सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तापर क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट वाज द मेन स्टेपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935, तो फ्रेंड्स आई रिपीट देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1935 बहुत इंपोर्टेंट, तार आंसर है सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्यारंटेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आक्ट द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्यारंटेड कह जाता बा स्थिर कर। क्वेश्चन नंबर 36 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बहुत ही इजी क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आंसर है सी। तापरे क्वेश्चन नंबर 37 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनडिवाइडेड इंडिया माने जितने डिवाइड है नथला ता पूर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग टा केबे हेतला ना 9 December 1946। तापरे क्वेश्चन नंबर 38 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो एडवाइजर किए थिले ना रा आंसर होबो डॉक्टर बी एन राव। तापरे 39 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनएक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तापरे क्वेश्चन नंबर 40 द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंट आक्ट वाज सेट 1946 रे, बस 40 नंबर आंसर है बी। तापरे क्वेश्चन नंबर 41 हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, तो किए प्रिजाइडेड करते ना सच्चिदानंद सिन्हा, 41 नंबर आंसर है ए। तापरे 42 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंड्स सेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे, तो मुझे भी ऊपर मैचिंग क्वेश्चन कही, तर आंसर है बी आर आंबेडकर। तो फ्रेंड्स आज
ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କି କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।